अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं जुनेद अली और मैं सैयद आयशा नाज। बुलेटिन का आगाज दुनिया हेडलाइंस से। सैलाबी रैली ने कराची में कोरंगी क्रॉसिंग से शहर आने वाली सड़क तहस नहस कर दी। बदतरीन ट्रैफिक जैम, बाज इलाके 50 घंटे बाद भी बिजली से महरूम, पानी की भी किल्लत। सैलाबी रेला बर्बादी की दास्तान रकम कर गया। कराची के सादी टाउन और अमरोहा सोसाइटी में घरों का सामान तक बह गया। पेशावर में सैलाबी रैली से कई घर तबाह, 80 खानदान बेघर। राजनपुर के कुतुब कैनाल में शगाफ, मजीद 4 देहात डूब गए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी लाएंगे। तालीमी इमरजेंसी लगाकर 10 लाख बच्चों को स्कूल भेजने का आजम। पंजाब के नए गवर्नर की अहलिया उनकी कामयाबी के लिए दुआगो। बेटा और पोता भी खुश। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी भी कामयाबियों के लिए पुरउम्मीद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान की अदम तैनाती का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री क्वेटा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। झंग जेल में मोबाइल फोन और मनशियात के आजादाना इस्तेमाल की रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत का नोटिस। वजीर आला ने कार्रवाई की हिदायत कर दी। आजादी करीब आते ही सब जलाली परचमों और झंडियों की बहार, बाजारों में जश्न का समा। लाहौर की मार्केटों में बेहंगम। ईद स्टॉल्स के बायस मार्केटों में खरीदारी करने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। दुनिया न्यूज की सहारी नशरियात। जश्न रमजान बड़ों बच्चों में मकबूल। मोहब्बत और हमदर्दी के खत्म होते जज्बे की वजूहात पर रोशनी डाली गई। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलकर जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले यूसेन बोल्ट रक्स के मैदान में भी जौहर दिखाने लगे। नटखट अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली सांवली सैलोनी अदाकारा काजल ने जिंदगी की 39 बहारें देख ली।